हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विनीत और मैं आपका स्वागत करता हूँ मेरे चैनल यू एंड मी के अंदर। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम हर वीडियो के माध्यम से कोई ना कोई सॉल्यूशन आपको बताते हैं, चाहे वह सॉल्यूशन आपके वास्तु दोषों को लेकर हो, जिससे अपने घर के अपने ऑफिस के वास्तु दोषों को दूर कर सकते हैं, और छोटे छोटे उपाय बताते हैं जिससे कि रोजगार को लेकर है, व्यवसाय को लेकर होती है, व्यवसाय में उतार चढ़ाव है, पारिवारिक अनबन को लेकर होता है। तो वर्तमान में इंसान बहुत सारी समस्याओं का सामना करता है, तो कोशिश ये करते हैं कि हम छोटे छोटे उपाय आपको बताए जा सके हर वीडियो के माध्यम से, ताकि आप उन समस्याओं का समाधान घर पर ही करके और उनसे पीछा छुड़ा सकें और अपने परिवार को सुख शांति और समृद्धि का वास हो सके आपके परिवार में और आपके घर परिवार में शांति बनी रहे। तो दोस्तों, हमारे चैनल के साथ बने रहिए, हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आज इस छोटे से उपाय के हम आपको बताएंगे कि यदि आपके परिवार में कोई बार बार बीमार होता है, दोस्तों रोगग्रस्त हो जाता है, कोई कहते हैं ना कि अब मैं तो हमेशा बीमार बीमार से रहता हूँ, थकान थकान सी महसूस होती है, हर हफ्ते उसको बीमारी लग जाती है, कभी फीवर हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा था, तो जब एक इंसान हर रोज या हर हफ्ते बीमार होना शुरू हो जाए, तो सोच लो कोई ना कोई प्रॉब्लम बनी हुई है। तो यदि कोई इंसान रोगग्रस्त रहता है या उसको बार बार कोई ना कोई रोग लग जाता है, तो आपको छोटा सा उपाय अवश्य करना चाहिए। करना क्या दोस्तों, आपको एक पान लेना है। दोस्तों, पनवाड़ी की दुकान पर जाएंगे तो आपको पान अवश्य मिल जाएगा, उससे बोल दें कि हमें एक हमारे लिए पान बना दे, अखंडित पान होना चाहिए, वो पान का पता बिल्कुल साबुत होना चाहिए, अखंडित पान होना चाहिए, साबुत पत्ता ले, उसमें कुछ पतासे रख ले और कुछ गुलाब के फूल रख ले। इन सभी चीज़ों को मिलाकर दोस्तों, इन सभी चीज़ों को मिलाकर आप उस इंसान के जो बार बार बीमार हो रहा है, उस इंसान के ऊपर से 31 बार घुमाने के बाद जाकर शाम के समय किसी चौराहे पर छोड़ आए और पीछे मुड़कर ना देखे, सीधे अपने घर आकर अपने हाथ धो लें। तो यह छोटा सा उपाय है दोस्तों, यह उपाय आपको सिर्फ मंगलवार को या शनिवार को करना है दोस्तों, और एक बार करें या 3 बार कर दें तो और भी बेहतर रहेगा, इससे आपको अवश्य ही फर्क महसूस होगा, अवश्य ही आपको लाभ होगा। तो दोस्तों, और भी लोगों तक हमारी बात पहुंचाने के लिए आप हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।